अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज का हमारा मज़मून है उर्दू। उर्दू और उर्दू में हम पढ़ेंगे आज हुरूफ़े तहज्जी। हुरूफ़े तहज्जी, सबसे पहले हम जानेंगे किताबों को अपनी, ठीक है। ये हमारी दरसी किताब है, ठीक है, उर्दू की। और ये हम इसे कहते हैं कायदा सोयम। ये हमारा कायदा है उर्दू का, उर्दू की रीडर बुक। ओके, नेक्स्ट है उर्दू क्लास वर्क बुक, ठीक है। उर्दू क्लास वर्क बुक, ये हमारी क्लास वर्क बुक है। और ये हमारी होमवर्क वर्क बुक है, ठीक है। अमली किताब, अमली किताब जिस पर लिखा हुआ है वो हमारी क्या है? होमवर्क वर्क बुक है। और जिसमें उर्दू अमली मशकें लिखा हुआ है, अमली मशकें, वो हमारी वर्कशीट बुक है, ठीक है। नाउ टेक आउट योर उर्दू कायदा बुक, ठीक है। सबसे पहले हमें उर्दू की कायदा बुक निकालनी है और उसमें पेज नंबर ओपन करना है। क्लास, सबसे पहले आपको उर्दू कायदा बुक में हमें निकालना है पेज नंबर 1, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अलिफ, अलिफ मद आ, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, टे, टे के ऊपर तोए, से, से के ऊपर तीन नुक्ते, जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता, चे, हे, खे, जीम, यानी दो पर। अब हम दो पर देख रहे हैं क्या है? हुर्फ और उनकी इब्तदाई आवाज़ बनने वाले अल्फाज पढ़ें, ठीक है। यानी हमें अलिफ से क्या क्या चीज़ें आती हैं हमें वो पढ़ना है। अलिफ, अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, अलिफ मदा से आम, अलिफ मदा से आम, अलिफ मदा से आम, बे से बिल्ली, बे से बिल्ली, पे से पौधा, पे से पौधा, पे से पौधा, टे से तितली, टे से तितली, टे से टमाटर, टे से टमाटर, से समर, से समर, जीम से जूता, जीम, जीम से जूता, चे, चे से चुड़िया, चे से चुड़िया, हे से हलवा, हे से हलवा, खे से खरगोश, खे से खरगोश। अब हम हमारी रीडर बुक से अब आ जाते हैं हम अपने क्लास वर्क बुक पर। नाउ टेक आउट योर उर्दू क्लास वर्क बुक। ओके क्लास, की हमारी उर्दू क्लास वर्क बुक है, अब हम ओपन करेंगे। नाउ ओपन पेज नंबर 1। ओके क्लास, हम लोगों ने जूनियर 1 में भी हुरूफ़े तहज्जी पढ़ी थी और लिखी थी। अब ये अयादा है आपका हुरूफ़े तहज्जी का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हुरूफ़े तहज्जी लिखें, हुरूफ़े तहज्जी लिखें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा? CW मेंशन करना है और जिस रेट पर आप वर्किंग कर रहे हैं वो वर्क करना होगा, ठीक है। अच्छा, हुरूफ़े तहज्जी, हुरूफ़े तहज्जी क्या है क्लास? हुरूफ़े तहज्जी में हमें क्या करना है? पहले हुरूफ़े तहज्जी की हमें पहचान बतानी है, ठीक है। हुरूफ़े तहज्जी की तरतीब, उसके मकासद बता रही हूँ मैं, जिस हुरूफ़े तहज्जी के, हुरूफ़े तहज्जी की पहचान, हुरूफ़े तहज्जी की तरतीब। नंबर 3 पर है हुरूफ़े, हुरूफ़ की सूरती पहचान, हुरूफ़े तहज्जी की लिखाई और हुरूफ़े तहज्जी की पढ़ाई, ठीक है। अनवान का बाकायदा आगाज़ करते हैं हम अपना। सबसे पहला हुर्फ क्या है हुरूफ़े तहज्जी का? हुरूफ़े तहज्जी का सबसे पहला हुर्फ क्या है क्लास? अलिफ, अलिफ, अलिफ हम किस तरह लिखेंगे? अलिफ किसकी शक्ल को जाहिर कर रहा है? जैसे कि कोई डंडा हो, ठीक है। जब हम शरारतें करते हैं तो हमारी अम्मी इससे पिटाई करती है ना डंडे से, तो वो अलिफ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हुर्फ क्या है हमारा? अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद आ, अलिफ मद आ किसकी शक्ल को जाहिर कर रहा है? जैसे कि अलिफ, ठीक है। अलिफ के ऊपर हम अलिफ मद आ लगा देंगे। अलिफ ऐसा लग रहा है कि जैसे अलिफ के ऊपर ताज है,
ताज लगा दिया तो क्या बन जाएगा वो, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। ठीक है, ये हमारे अलिफ के ख़ानदान थे। अब हमारा नया ख़ानदान स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नए ख़ानदान में बे का ख़ानदान है। ठीक है, बे के ख़ानदान में कितने हर्फ होते हैं, पांच। ठीक है, पांच। सबसे पहला है बे। बे हम किस तरह बनाएंगे, जैसे ये छोटी सी किश्ती हो। ठीक है, किसकी शक्ल को जाहिर करिए, किश्ती को। बे, बे के नीचे कितने नुक्ते हैं, एक। नेक्स्ट हमारा क्या है, पे। ये भी एक छोटी सी किश्ती बनाई और इसके नीचे हमने तीन नुक्ते लगा दिए, पे। नेक्स्ट है हमारा ते। अगेन हमें किसकी शक्ल को जाहिर कर रहा है ये, ते, किश्ती की। ठीक है, उसके ऊपर कितने नुक्ते लगा दिए, दो, तो ये क्या बन गया, ते। नेक्स्ट हमारा क्या है, टे। टे, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, तोए। ठीक है, टे के ऊपर तोए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, से। से, से के ऊपर तीन नुक्ते। ये हमारा बे का पूरा ख़ानदान कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट हर्फ पे, जीम के ख़ानदान पे। ठीक है, जीम के ख़ानदान में कितने हर्फ होते हैं, चार। जीम के ख़ानदान में कितने हर्फ होते हैं, चार। अच्छा, सबसे पहला हर्फ कौन सा होता है, जीम। जीम, जीम किसकी शक्ल को ज़ाहिर करता है, जैसे कोई पानी का जग होता है उसकी शक्ल को ज़ाहिर करता है, ये क्या है, जीम। जीम किस तरह बनाएंगे, आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे। ठीक है, जीम की फॉर्मेशन का बहुत ख्याल रखिएगा, हाफ लाइन से ऊपर और हाफ लाइन से नीचे। ठीक है, अगेन हम जीम के बाद का हर्फ कौन सा होता है, जीम, चे। चे, चे में हम क्या करेंगे, हाफ लाइन से ऊपर हाफ लाइन से नीचे। चे भी पानी के जग की शक्ल को ज़ाहिर कर रहा है और इसके अंदर कितने नुक्ते लगा दिए, तीन, तो क्या बन गया, चे। चे, जीम, चे, हे। हे खाली है, ठीक है, हे भी देखे मैंने हाफ लाइन से ऊपर और हाफ लाइन से नीचे, फॉर्मेशन का बहुत ख्याल रखिएगा। हे के बाद क्या आता है, खे। खे, खे, ठीक है, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता। जीम की हमने जीम चे हे खे। ठीक है, हाँ, जीम हमने, आपको मैंने दोबारा से बता दूं कि जीम हाफ लाइन से ऊपर और हाफ लाइन से नीचे बनाया, बे जो है वो हमने लाइन के ऊपर बनाया है। इस तरह से हमारी क्लास वर्कबुक का वर्क डन हो चुका है। अब हम मिलते हैं अपनी होमवर्क वर्कबुक पर आ जाते हैं। ओके क्लास, आप सब ने अपनी उर्दू की अमली किताब यानी होमवर्क वर्कबुक निकाल ली होगी। ये हमारी होमवर्क वर्कबुक है और नाउ ओपन पेज नंबर वन। ओके क्लास, हमारा सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर होमवर्क है तो यहाँ होमवर्क मेंशन करना होगा और जिस डेट पर हम काम कर रहे हैं वो डेट मेंशन करनी होगी। जिस तरह से हमने क्लास वर्कबुक में अलिफ बे पे लिखा था, तो उसी तरह हमें सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है, अलिफ, अलिफ मदा बे पे। इसी तरह हमें नीचे थ्री टाइम्स लिखना है, यहाँ जिस तरह मैंने अलिफ लिख कर बताया है, फॉर्मेशन का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अलिफ मदा, तो इसी तरह हमें लिखना होगा बे, बे को नीचे लिखना होगा थ्री टाइम, पे, पे को भी नीचे फोर थ्री टाइम्स लिखना होगा। अब नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं, तस्वीरों के नाम की इब्तदाई हर्फ लिखें। बे से क्या आता है, बादल। बादल किससे आते हैं, बे से। अनार किससे आता है, अलिफ से। पत्ता किससे आता है, पे से। अलिफ मदा से आम आता है। ठीक है, यहाँ पर इस डैश में आपको वो वर्ड इब्तदाई हर्फ लिखने हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, नाउ कम टू पेज नंबर टू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच डब्ल्यू मेंशन करेंगे पेज नंबर टू पर और इसी तरह क्या लिखा हुआ है, हर्फ लिखें। सबसे पहले क्या है, ते, टे, से। इसी तरह हम यहाँ टू टाइम थ्री टाइम्स लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया था ते, फिर नीचे हम उसी तरह लिखते जाएंगे। ठीक है, हर्फ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्फ के नुक्ते लगाएं, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, बे, पे, ते, टे और से। ये हमारे पांचों हो जाएंगे। ठीक है, बे का ख़ानदान, बे, पे, ते, टे, से। इस तरह हमने नुक्ते लगाने होंगे इसमें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर थ्री पर। पेज नंबर थ्री पर हम सबसे पहले होमवर्क मेंशन करेंगे।
क्लास होमवर्क में क्या है, जीम चे हे खे, ठीक है। इसी तरह जीम को कैसे लिखेंगे, हाफ लाइन से ऊपर और हाफ लाइन से नीचे, जीम, अगेन देख लें दोबारा से, जीम जीम हाफ लाइन से ऊपर, इसी तरह लिखना है चे हे खे, आपको 3 times लिखना होगा। अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जीम और चे की तलाश कीजिए और उसमें रंग भरिए। जिस चूज़े के अंदर चे और जीम लिखा है उसमें आपको कलर करना है, सिर्फ जीम और चे में, सब में कलर नहीं करना है। चे इसमें लिखा हुआ है, जीम इसमें लिखा हुआ है, इसमें चे लिखा हुआ है और इसमें जीम लिखा हुआ है, तो इसमें हमें कलर करना है। इस तरह से हमारा होमवर्क डन हो जाता है। See you, Allah Hafiz। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।